नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के अंदर किस तरह से ई रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ई रिटर्न को तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, ई रिटर्न को भरते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इसे हम बिजनेस के ओरिजिनल डेटा के साथ प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। ई रिटर्न को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले टैली के डेटा को किस तरह से चेक करना चाहिए, जो रिटर्न तैयार हुई है वो सही है या गलत है उसे किस तरह से चेक करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। और साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि उसे अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल की फाइल के अंदर या एक्सेल की यूटिलिटी के अंदर, तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम 100% प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। तो रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जाना होगा सबसे पहले अपनी डेबुक के अंदर। डेबुक के अंदर जब आप एंटर कर जाएंगे तो यहां पर F2 प्रेस करिए। F2 प्रेस करने के बाद अपने चेंज डेट को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप देखेंगे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो यहां पर शो हो गई है। अब इसी ट्रांजैक्शन के बेस पर हम रिटर्न को फाइल करने वाले हैं। तो चलिए स्कैप करके हम एक बार पीछे आ जाते हैं और यहां से मैं आपको ले चलता हूं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन आपका आएगा जीएसटी रिपोर्ट्स, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे यहां पर आपके सामने तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, जीएसटी R1 का, जीएसटी R2 का और जीएसटी R3B का। जीएसटी R1 के अंदर जाकर के सबसे पहले हम अपनी रिटर्न को तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए हमें इसके अंदर एंटर करना होगा, इस पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद यहां पर भी अपनी चेंज पीरियड को सेट कर लीजिए। चेंज पीरियड को सेट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शन थी वो 4 ट्रांजैक्शन है, यानी हमने 4 सेल की हुई है। और 4 सेल करने के बाद यहां पर जो हमारा टोटल अमाउंट इंक्रीज हुआ है, यानी टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा इंक्रीज हुआ है वो 2,45,500 रुपए का इंक्रीज हुआ है। और ये हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी इतनी है। और अब इस वैल्यू को हमें कई जगह से मैच करना होगा। अगर ये हमारी वैल्यू हर जगह से मैच हो जाती है तो जाकर के हम ई रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो आप इसे किस किस जगह से चेक कर सकते हैं मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। चेक करने के लिए हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूं। स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप चले जाइए यहां से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और यहां से प्रेस करिए Alt+F1। Alt+F1 प्रेस करने के बाद यहां पर आप देखेंगे हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो सेम 2,45,500 रुपए ही हमारी शो हो रही है। यानी कि वहां पर भी हमारी जो वैल्यू थी, टैक्सेबल वैल्यू थी, वो 2,45,500 रुपए थी। यहां पर भी जो हमारी वैल्यू है वो 2,45,500 रुपए है। तो यानी कि ये हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहां से तो हमने इसको चेक कर लिया। तो चलिए स्कैप करके एक बार पीछे आ जाते हैं। अब मैं आपको और जगह से बता देता हूं कि इसको आपको कहां कहां से चेक करना चाहिए। तो इसके लिए हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर फिर से और यहां से चले जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर और जीएसटी R1 के अंदर जाकर के फिर से हम डेट को सेट कर लेते हैं। और अब इसके बाद आपको चेक करना है HSN समरी, यानी HSN समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली जितना भी एरर हमारा आता है वो सारा का सारा हमारा HSN समरी की वजह से ही आता है। तो एक बार HSN समरी को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम HSN समरी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर जो हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट था, तो यहां से आप देखेंगे हमारा जो टोटल अमाउंट है HSN समरी का वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 2,45,500 रुपए का हमारा यहां पर भी अमाउंट शो हो रहा है। तो इसके लिए फिर से स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। तो यानी कि हमारी जो HSN समरी है वो कम्प्लीटली करेक्ट दिखा रहा है। पीछे आने के बाद अब हम चेक करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट समरी को। तो डॉक्यूमेंट समरी को चेक करने के लिए इस पर जाना होगा आपको, एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आप देखेंगे हमारी टोटल ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। हमने जो टोटल बिल बनाया हुआ है वो 0001 से लेकर के 0004 तक की ट्रांजैक्शन हमने कर रखी है। टोटल हमारी जो इनवॉइस है वो 4 इनवॉइस है जो हमने जनरेट की है सेल की। तो इसके आप करके पीछे आ जाइए। यहां तक हमारी जो टोटल अमाउंट था सब कुछ मैच हो गया, परफेक्टली तरीके से मैच हो गया। अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो उस एरर को आपको फाइंड करना होगा, उस एरर को आपको क्लियर करना होगा। उस एरर को क्लियर करने के बाद ही आपकी जो ई रिटर्न है वो फाइल की जा सकती है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि हमारे सामने एक ऑप्शन है अनकंटेंट ट्रांजैक्शन का। तो यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अगर इसके अंदर जीरो आपका नहीं है तो यानी कि आपके ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो इसको भी आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद एक जगह से और आप चेक करेंगे, यहां पर मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूं। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन है आपका इनकम्प्लीटेड इन्फॉर्मेशन इन HSN समरी।
यानी ये जो समरी है अगर आपकी इनकम्प्लीट है, यानी एचएसएन समरी के अंदर अगर कोई करेक्शन है और वो इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर आपका शो अप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन भी आपकी जीरो होनी चाहिए। तो चलिए, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, हमारी पूरी ट्रांजैक्शन ओके है। अब हम इसे करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक्सपोर्ट बटन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ई रिटर्न का। तो इस ई रिटर्न पे आपको क्या करना है, इस ई रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी इस फाइल को आप किस चीज के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, CVS के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे उनकी फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इसे अभी एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पर अपने एरर्स को चेक करेंगे। अगर वहां पर कोई एरर नहीं मिलता तो उसके बाद हम इस फाइल को उठा करके अपने CA के पास भेज देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फाइल पाथ दे रहा है, यानी कि आपका जो डेटा सेव होगा वो आपका इस लोकेशन के अंदर सेव होगा। आप देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर टेलीप्राइम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाना है आपको, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा सेव होगा। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक और ऑप्शन है, यानी कि आपकी जो फाइल का नाम होगा वो GST R1 के नाम से यहाँ पर फाइल आपकी सेव होगी इस फोल्डर के अंदर। तो आपको यही रखना है, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी आपको। यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी का, यानी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी आपका यहाँ पर यस होना चाहिए, इसे नो नहीं रखेंगे आप। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो अप हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल वाउचर, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की है उन सभी वाउचर्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाए। दूसरा बोलता है ओनली न्यू वाउचर, यानी जो भी हमने न्यू ट्रांजैक्शन करी है सिर्फ वो वाउचर हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो हम GST R1 फाइल कर रहे हैं इसलिए हमें ऑल वाउचर चाहिए, तो यहाँ पर हम ऑल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेंड का और कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सेंड पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी GST R1 फाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके एक्सपोर्ट होने के बाद आप देखेंगे आपकी जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगी, तो इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा HSN की जितनी पूरी डिटेल थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो अप हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें B2B की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर शो अप हो गई, GST नंबर के साथ, उसका इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, उसकी इनवॉइस वैल्यू, और वो हमारा कस्टमर कौन है, रेगुलर है या क्या है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने शो अप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उन सब की फाइल यहाँ पर अलग अलग क्रिएट हो चुकी है। तो इन सभी के अंदर जा करके आप अपनी फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल के अंदर किसी तरीके का कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर आपका मिलता है तो उसे सिलेक्ट करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ही आपको इस फाइल को आगे एक्सपोर्ट करना है, यानी आगे भेजना है। जरूरी नहीं है कि टेलीप्राइम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें देता है वो सब कुछ परफेक्टली देता हो, उसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है। उस एरर को यहाँ पर आप फाइंड करके उस एरर को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसे क्लियर करने के बाद ही आप इसे CA के पास भेजेंगे ताकि वो इसकी ई रिटर्न को फाइल कर सके। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक्सेल की यूटिलिटी के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो GST R1 के बाद अब हम सीखेंगे GST R3B को। तो इसके लिए स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप देखेंगे हमारा GST R3B यहाँ पर शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ से भी आप अपनी डेट को सेट कर लीजिए। डेट को सेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी हमें अपने जो भी हमारी ट्रांजेक्शन की गई है उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट था यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल वही सेम आ रहा है, यानी हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 245,500 रुपये आ रही है। और यहाँ पर भी अगर हम मैच करेंगे इसको तो हमारी जो अनक्लियर ट्रांजेक्शन्स है वो जीरो है। डेटा को मैच करने के बाद अब हम चले जाएंगे वापस से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट का वही बटन फिर से शो अप हो रहा है। इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से वही चीज़ यूज़ करनी है, ई रिटर्न को हमें वापस से फाइल करना है, वही चीज़ फिर से यूज़ करनी है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमारा जो ई रिटर्न है इस पर हमें क्लिक करना होगा। ई रिटर्न के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने दो फाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मेट है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डेटा को पहले एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद उसे जेसन फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे।
एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए, सेम उसी तरीके से आप फाइल पाथ आपको बताएगा कि आपका डेटा कहाँ पर शो अप हो रहा है, उसके लिए एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक फाइल है जो कि एक्सेल यूटिलिटी के नाम से यहाँ पर शो अप हो रही है। अगर आप इसे पहली बार एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये फाइल शो अप नहीं होगी, क्योंकि ये फाइल हमें एक्स्ट्रा डाउनलोड करनी पड़ती है। और ये फाइल डाउनलोड कहाँ से की जाती है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए जाना होगा आपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे GST R3B ऑफलाइन यूटिलिटी, यानी ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर सिंपल क्लिक कर देना है। ये जो वेबसाइट है वो GST की वेबसाइट है, मैं इसका लिंक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो लिंक है वो है GST.government.in डाउनलोड GST R3B फाइल। इसको लिख करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज पे से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन मांगेगा, आप इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे हमारी ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसके डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, हमें सीधे चले जाना है माई कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद यहाँ से चले जाना है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे हमारी GST R3B यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आप देखेंगे आपकी ये फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को करना क्या है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से जाना है आपको अपने सी ड्राइव के अंदर, तो यहाँ से सी ड्राइव में हम चले जाते हैं। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो प्रोग्राम फाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर है हमारा टेलीप्राइम का फोल्डर यहाँ पर शो अप हो गया। इस टेलीप्राइम के ऊपर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें वो यूटिलिटी फाइल को पेस्ट कर देना होगा, यानी राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। हमने क्या कर रखा है, इस फाइल को पहले से यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, तो हम इसे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं और इसे रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे हमारी ये फाइल यहाँ पर शो अप हो गई, GST R3B की यूटिलिटी फाइल। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वो फाइल भी शो अप हो रही है जो कि हमने अभी एक्सपोर्ट की थी। तो ये दोनों की दोनों फाइल हमारी यहीं पर ही मिलेंगी हमें। और अब चले जाते हैं टेलीप्राइम के अंदर। टेलीप्राइम में जाने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद वही नोटिफिकेशन फिर से आपके पास आएगी और यहाँ से आपको उसको करना होगा सेंड पर क्लिक। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, इसे एक्सपोर्ट होने देते हैं। इसके एक्सपोर्ट होने के बाद एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपकी GST R3B की फाइल यहाँ पर कॉन्फिगर हो जाएगी। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसे ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर ऊपर चले जाइए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका टोटल टैक्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो गया। हमारा जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट था वो यहाँ पर 245,500 रुपए शो अप हो गया। ये एक्सेल की यूटिलिटी फाइल होती है जिसके अंदर हमारी ये डेटा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट होने के बाद हमारी सारी ट्रांजेक्शन सारा डेटा यहाँ पर शो अप होना शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और है हमारा वैलिडेशन फेल्ड, यानी कि हमारा जो ये डेटा है वो वैलिडेशन फेल दिखा रहा है, तो उसको किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे एक वैलिडेट का एक बटन आपके सामने शो अप हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं इस वैलिडेशन बटन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा इसके ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा ये जो वैलिडेशन है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन और आपके सामने शो अप हो रहा है जनरेट फाइल का। तो यहाँ पर हमें जनरेट फाइल पर भी क्लिक करना होगा, इसकी फाइल को जनरेट करेंगे हम लोग। जनरेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी JSON फाइल हैज बीन जनरेटेड, हमारी JSON फाइल जनरेट हो चुकी है। और ये किस जगह पर सेव हुई है हमारी वो मैं उसकी लोकेशन यहाँ पर देखेंगे आप शो अप हो रही है। तो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर नायरा नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप, यानी कि जो फाइल है हमारी डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रही है। तो इसको हम स्कैप करके पीछे आ जाते हैं, इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आप देखेंगे हमारा GST R के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर शो अप हो गया। इस फोल्डर को हमें क्या करना है, ओपन करना है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर GST R3B का JSON फाइल यहाँ पर हमारे सामने शो हो गई है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जुलाई मंथ की हमारी जो JSON फाइल थी वो यहाँ पर शो अप हो रही है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारी GST R3B की जो JSON फाइल थी वो कम्प्लीटली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब ये हमारे जो डेटा था वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। इस फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी इसे सबमिट कर सकते हैं GST R3B के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा GST R3B का। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा वो सीखा आप किस तरीके से GST रिटर्न को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं,
और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।